तो दोस्तों फर्जी आईपीएस मिथिलेश कुमार पिछले कुछ वक्तों से सुर्खियों में बना हुआ है। वर्दी पहने खुद को आईपीएस बताने वाले मिथिलेश कुमार की एक एक कहानी लोगों को बहुत ही भावुक कर रही है। पहले मिथिलेश ने इस पूरे मामले में अपने आप को मासूम साबित किया, मीडिया और पुलिस के सामने फर्जी आईपीएस बनने के पीछे की पूरी कहानी बताने लगा, जिसमें बताया गया कि बेचारा मासूम मिथिलेश किसी मनोज नाम के ठग के जाल में फंस गया और ठगी का शिकार हो गया। फिर क्या था, पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। फिर क्या भाई, इसने जेल से बाहर निकलते के साथ सोशल मीडिया पे गन मचा दिया। और ये लड़का इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इंस्टाग्राम तो छोड़ो भाई, इसने यूट्यूब को भी हिला के रख दिया। क्योंकि ये लड़का अच्छे से जान रहा था कि अभी मैं ट्रेंड में चल रहा हूं, जिस कारण से इसने दोस्तों गाना भी लेकर के आ गया था फर्जी आईपीएस। फिर क्या था भाई, पुलिस वाले इतने आसानी से थोड़ी जाने देंगे। पुलिस वाले छानबीन किए इनके बारे में, थोड़ा बहुत खोज खबर किए इन चचा के बारे में, उसके बाद जो पता चला ना, माँ कसम आपको भी मजा आएगा, हमें तो मजा आ ही रहा है। दोस्तों पुलिस के छानबीन में पता चला कि ये जो फर्जी नाम का आईपीएस है बहुत बड़ा घपला कर चुका है पुलिस वाले के साथ। इसने पुलिस वाले और मीडिया वाले सभी लोगों को दोस्तों अपने मासूम शकल से, अपने मासूम से बोली से भाई सभी को चूना लगा डाला। जी हाँ, मिथिलेश के अब तक जो कहानी है उसको सुनकर के आप लोग तरस खा रहे थे, वो कहानी सरासर झूठी निकली। फिर क्या था भाई, पुलिस वाले लग गए अपने काम पे नंबर ट्रैश के चक्कर में। नंबर जब ट्रैश और जहां पे पेमेंट ट्रांजेक्शन हुआ था वहां का लोकेशन जब पता किया दोस्तों, तो इसका रियल लोकेशन खैरा ना होकर लकीसराय था। फिर क्या, उसके बाद इनके मामा को पकड़ा गया। पुलिस वाले इनके मामा के पास गए, खोज खबर निकाले, तो इनके मामा भाई साफ साफ इनकार कर दिए, बोले मैंने 2 लाख रुपए दिए ही नहीं है। फिर क्या होना था, मिथिलेश चचा पे जेल जाने का दोस्तों मंडराने लगा। अब देखो मिथिलेश चचा कब जेल जाते हैं। वैसे भाई ये सही हुआ या गलत आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं तो यही बोलूंगा ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जेल में बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे की वजह से और भी लोग रोड पर उतर जाएंगे यार आईपीएस बनने के चक्कर में 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए 50,000 दे करके। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भी मिलते हैं आईपीएस बन के।